बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा है? फिर रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा, ये सारी चीजें चल रही है, फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। मैं आज फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले, मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए एक पेज की, और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए, ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो, आप क्यों छुपा रहे हो, तो यही पूछ रहे थे। लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी दो हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। रोज जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे, देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है, और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है, राहुल गांधी जी सॉरी राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया,
तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो ये कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। कभी कातिल बदलते हैं, कभी खंजर बदलता है।